हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू जेएसएस एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो रिसेंटली निकल के आई है सभी एसएससी स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली एसएससी का रिजल्ट रिलीज किया गया, और मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एसएससी का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा उसके बाद सभी लोगों का सीईटी का जो फॉर्म फिलिंग का डेट है और एग्जाम का डेट है वो फाइनली ऑफिशियली निकल के आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सीईटी का फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी बच्चों का क्वेश्चन इस समय बना हुआ है, जितने भी एसएससी के बच्चे हैं, कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन से पार्ट आप सभी लोगों को पढ़ने हैं जो सीईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोनों चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका सीटी का जो फॉर्म निकला हुआ है वो फॉर्म आप कौन से वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है ct.mh.ssc.ac.in। कंफ्यूज ना हो, स्क्रीन पे देख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिलिंग चालू हो चुका है, बट अगर अभी इस वेबसाइट का विजिट करते हो तो आप सभी लोगों को वेबसाइट काफी बिजी मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब आपका रिजल्ट रिलीज हुआ होगा तो ऑलमोस्ट 4 to 5 hours मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग गया था अपने रिजल्ट को चेक करने में। कितने लोगों ने रात को रिजल्ट चेक किया था, क्योंकि फुल डे वो पूरी की पूरी वेबसाइट बिजी थी। तो आप लोग को इससे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग सीईटी का फॉर्म भरने वाले हैं। वेबसाइट बिजी होने के वजह से आप भर नहीं पाओगे, तो कौन सा ब्राउजर यूज करना चाहिए, किस तरह से फॉर्म फिलिंग करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, सभी चीजों के लिए वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस को कवर करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है। तो आपका जो सेक्शन है, 4 सेक्शन में पेपर को पूछा जाएगा। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में और एसएस में, सोशल साइंस में, ये सारी चीजों में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड होगा। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे के सारे आंसर्स को आपको एबीसीडी ऑप्शन में टिक करना है। तो एबीसीडी ऑप्शन में टिक करना है तो ये आपको जो आएगा वो पूरा का पूरा ओएमआर शीट पे आंसर को टिक करना होगा। देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। तो स्क्रीन पे से मैं आपको देख रहा होगा, टोटल 31 पॉइंट्स है लैंग्वेज स्टडी के, जिसमें कंपाउंड वर्ड, पार्टिसिपल, स्पॉट द एरर, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स, तो ये सारी चीजों का लिस्ट आप बना लो। एक एक टॉपिक आपको आना चाहिए। ग्रामर के कोई भी बुक्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आपने कहीं ना कहीं अपने क्लास, अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में इन चीजों को पढ़ा होगा। तो सारी चीजों को रेडी करके रख लो कि आपको इतने टाइप के ग्रामर आने चाहिए। उसमें आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज भी आने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन 6 to 8 लाइन का, पोएटिक डिवाइस एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल। तो ये सारी चीजों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको राइट आंसर टिक करना है और आंसर राइट करके मार्क्स लेना है। अगला जो आपका सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, काफी टफ भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हर एक चीज में इन लोगों ने रिडक्शन दिया है, बट साइंस में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं है। पूरे के पूरे 10 चैप्टर साइंस 1 और साइंस 2 से आने वाले हैं। तो इसके चैप्टर्स की लिस्ट देख सकते हो। इसमें ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, स्पेस मिशन, ये सारी चीजों को करके इन्होंने पूरे के पूरे फर्स्ट पार्ट के साइंस के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। बात करूँ सेकेंड पार्ट की, तो इसके अंदर हेरिडिटी एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों को इनने कवर किया है। यानी इसमें इन्होंने कोई भी चीज को छोड़ा नहीं है। साइंस में सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से करने हैं। बाकी आपका मैथ्स, हिस्ट्री, इन सब चीजों में रिडक्शन है। तो अगला टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है आपका मैथ्स का। तो मैथ्स में पार्ट 1 अलजेब्रा में इन्होंने बस 4 टॉपिक को लिया है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इन 4 टॉपिक इन लोगों ने कवर किया। ये 4 टॉपिक आपको अलजेब्रा में अच्छी तरह से करने हैं अपने सीटी एग्जाम के लिए। ज्योमेट्री में बात करूं तो सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह करने हैं। इन सारे टॉपिक्स में से आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप सभी लोगों ने अभी तक के सिलेबस को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा। आगे हम बात करेंगे
एसएस की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इन लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स में ओमिटेड टॉपिक जो ऑलरेडी था आपको लास्ट ईयर वो सारी चीजों को भी कवर किया है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है क्रिटिकल समरी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, क्रिटिकल समरी के बारे में पढ़ना है। अप्लाइड हिस्ट्री चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना और मास मीडिया वाले हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद एंटरटेनमेंट मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया के पास आप डायरेक्ट आ सकते हो टूरिज्म एंड हिस्ट्री के ऊपर, टूरिज्म एंड हिस्ट्री और हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में बताए इतने टॉपिक तो आपको पक्के कर लेने हैं पहले, यानी आप किस तरह से पढ़ाई करोगे मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, आपको वन लाइनर वे में पढ़ाई करनी है ना कि लॉन्ग आंसर को पूरी तरह से रटना है। किसने क्या किया, कौन सी बुक लिखी, किसने कौन सी थ्योरी दी, बस आपको इतना पता होगा यानी आपने हिस्ट्री की पढ़ाई कर ली। आगे आपका जो सिविक्स से पार्ट है वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज से इसके अंदर सोशल पॉलिटिकल, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है सिविक्स के अंदर। ज्योग्राफी की बात करूं भूगोल की, यानी उसके अंदर आपका लोकेशन एंड एक्सटेंट वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 से चीजें स्टार्ट हो रही है। फिर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करके जो चैप्टर है आपका वो, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन वाला चैप्टर है वो, टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है वो। तो आपका इस तरह से ये चार सेक्शन कवर होगा, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक वो लोग पूछने वाले हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए, आपको साइंस में काफ़ी चीज़ें कवर करना है तो आप साइंस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप मेन मेन टॉपिक्स को पहले कवर कर लो। ऐसा ना करो कि किसी एक सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए। इसलिए आपको जो टॉपिक टफ लग रहा है लीव करके इजी टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करो, चारों के चारों सेक्शन को साथ में लेके चलना है क्योंकि वहाँ पे इक्वली 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से आने वाले, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, सारी चीज़ों को कवर करके चलना है। इंग्लिश का जो भी ग्रामर है वो सब अच्छी तरह से देख लो, सिर्फ मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, आपको टिक करना है हर एक राइट आंसर को। तो अभी के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आई होप सभी लोगों को वेबसाइट के बारे में पता चला होगा, सिलेबस के बारे में पता चला होगा, फॉर्म फिलिंग किस तरह से की जानी है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।